अक्सर ये देखने में आता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कई कोर्सेज संचालित करती हैं, लेकिन उनके पास निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं और खामियाजे भुगतना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जयभान सिंह पवैया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई आप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? देखिए, इसके लिए हमारे पास एक वैधानिक बॉडी है जिसका नाम है निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग। विश्वविद्यालय को जब अनुमति मिलती है तो नियामक आयोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अहर्ताएँ पूरी करवाता है। कभी कदा ऐसी शिकायतें पहले आती रही होंगी कि जितनी स्वीकृत पद हैं उनसे ज़्यादा विद्यार्थी भर्ती कर लिया है, एग्जामिनेशन में जो बैठे हैं और जो सेंक्शन सीट्स है उसके संख्या बराबर नहीं है। हमने इस बार बहुत पारदर्शी और कड़ाई से व्यवस्था की है कि हर विश्वविद्यालय को नियामक आयोग के पोर्टल पर विद्यार्थियों के नाम सहित पूरा डिटेल्स देने को कहा है और लगभग विश्वविद्यालयों ने वो अपनी सूची नियामक आयोग के पोर्टल पर डाल दी है। इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी ये रुकेगी कि जो निर्धारित सीट है, स्वीकृत है नियामक आयोग के द्वारा, उतने ही विद्यार्थी वहाँ भर्ती होंगे। जो भर्ती होगा उसका नाम पोर्टल पर होगा और जिसका नाम पोर्टल पर होगा वही एग्ज़ाम देगा वहाँ, और इसलिए एग्जामिनेशन के समय की सूची, एडमिशन के समय की सूची, स्वीकृत पदों की संख्या, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंकाएं से ख़त्म हो जाएंगी। कहीं शिकायत दूसरे प्रकार की आती है। कुछ विश्वविद्यालयों की मेरे कार्यकाल के पहले शिकायत आई थी और उदाहरण है कि 5 करोड़ रुपए पेनल्टी एक बड़े संस्थान पर सरकार ने तत्काल लगाई थी। फीस अधिक लेने की शिकायत अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आती है तो हम उसको नियामक आयोग को भी देते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो निजी विश्वविद्यालय फीस नियामक आयोग को भेजते हैं, उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उससे विद्यार्थी के साथ न्याय भी होता है। और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि एजुकेशन को व्यवसायिक मानसिकता से नहीं लिया जाना चाहिए। एजुकेशन मिशन है और देश को निर्माण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये बहुत पवित्र मिशन है। और इसलिए मैं तो बहुत कठोरता के साथ निजी विश्वविद्यालयों के बारे में पारदर्शिता लागू करने के पक्ष में हूँ। अगर हम तक कोई शिकायत आती है किसी प्रकार की तो कार्रवाई में कोई समझौता होने का सवाल ही नहीं उठता है। सर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार हो गई है कार्रवाई करने की, क्योंकि काफ़ी समय से आपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा है? नहीं, कार्रवाई तो शिकायत आने पर होती है और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम लागू करना ये हमारे हाथ में होता है। और मैंने आपको कहा कि हमने नियामक आयोग के पोर्टल पर सारी चीज़ें डालना अनिवार्य करके विश्वविद्यालयों में पहले से ही सख्ती लागू कर दी है और वो दिखाई भी देने लगी है। सर, कुछ समय पर एक मामला आया था स्कॉलरशिप की, जो है जो काफ़ी इसमें गड़बड़ झाला हुआ था, उस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी? नहीं होगा, इसमें आधार से लिंक्ड करने के बाद अब कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी। पिछले वर्षों में जो शिकायतें आई थी उनकी जांच विभागीय स्तर पर हुई है, कुछ कार्रवाइयां भी इस तरह की हुई, आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेकिन भविष्य में ये होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आधार से जब लिंक ढूंढता है विद्यार्थी तो फिर गड़बड़ी के कोई आसार रहते नहीं। जी, साफ तौर पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जहाँ तक एजुकेशन सवाल है, एक मिशन है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनरल अनमोल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।